नमस्कार दोस्तों, आज हम जो पीबी का जो सिलेबस है उसमें जनरल मैनेजमेंट के ऊपर सिलेबस पूरा आया है। उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन के आता है कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल। क्या चीज? संचार कौशल। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपको अपनी बात किस तरह से रखना है ये हुनर आना चाहिए। और जब आप अपनी बात को अच्छे तरीके से रखते हो तो आपका इफेक्ट आपके सारे व्यवसाय पे या सारे ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। साथियों, जो कम्युनिकेशन स्किल की बात आती है, जो कम्युनिकेशन है ये एक लैटिन वर्ड है, कम्युनिकेट, लैटिन वर्ड कम्युनिकेट से आया है। कहां से आया? लैटिन वर्ड कम्युनिकेट से आया, जिसका मतलब होता है टू शेयर। हिंदी इंग्लिश दोनों ज्यादा टफ इंग्लिश का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा, जहां प्रयास करूंगा कि हिंदी का भी इस्तेमाल मैं करूं, जो वोकैबुलरी है, जो वर्ड है, उसका मैं हिंदी में भी बताऊंगा। जैसे कम्युनिकेशन स्किल की बात है तो संचार कौशल है ना, या संप्रेषण। तो लैटिन वर्ड कम्युनिकेट से आया, जिसका मतलब होता है क्या? टू से। साथियों, कम्युनिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि आपका जो आप जो बोल रहे हो वो क्लियर होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए, स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। जिस बात पर भी, जिस भी विषय पर आप अपनी बात रखना चाह रहे हो वो एकदम स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन की बात हम करते हैं कि कम्युनिकेशन में जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो तीन होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका ट्रांसमीटर, या उसको बोलते हैं ट्रांसमिटिंग। क्या बोलते हैं? ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिटिंग, ट्रांसमिटिंग मतलब संचारण। जब सेंडर अपनी इंफॉर्मेशन एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में ट्रांसफर करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसमिटिंग या संचार। दूसरा महत्वपूर्ण चीज आता है कम्युनिकेशन में, लिसनिंग। सुनना। जब आप ट्रांसमिटिंग करते हो किसी चीज को तो सुनने वाले जो रिसीवर होता है, रिसीवर सुनता है उस चीज को, और यहां पे सेंडर मतलब भेजने वाला, और यहां पे रिसीवर होता है जो सुनता है आपकी बात को। वो तीसरा महत्वपूर्ण चीज आता है इसमें, फीडबैक। फीडबैक, जब तक आप किसी चीज को, यदि आपने कोई ट्रांसमिट की कोई चीज, किसी चीज का संचारण किया, किसी ने सुना, जब तक वो उस चीज के बारे में अपना विचार नहीं बता दिया आपको कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हो या क्या कर रहे हो, उसको बोलते हैं फीडबैक। जो जो कम्युनिकेशन होता है वो इन तीन चीजों में पूरा होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसके पार्ट्स या उसके अंग कौन कौन से होते हैं, उसकी अपन बात करते हैं। तो जो कम्युनिकेशन के पार्ट्स की बात करें या उसके एलिमेंट्स की बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है उसका किसका? सेंडर का। सेंडर कौन है? प्रेषक है ना, जो कि हिंदी में से प्रेषक कहते हैं, जो कि अपना मैसेज हम तक पहुंचाना चाहता है, अपने तक अपनी बात रखना चाहता है, उसे कहते हैं सेंडर। ये महत्वपूर्ण अंग, पहला अंग होता है। दूसरा होता है मैसेज, जो पार्ट है, मेन कंसेप्ट है, या कुछ जो भी वस्तु या जिस चीज के उद्देश्य के साथ में वो चीज भेजना चाह रहा है उसे बोलते हैं मैसेज, कि क्या वो हमें डिलीवर करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण चीज होता है चैनल, माध्यम, किस तरह से वो अपनी बात को रखना चाहता है, उसको कहते हैं क्या? माध्यम। ये जो संचार है ना, वो दो तरह से हो सकता है, कि किस तरह का माध्यम हो सकता है। एक तो औपचारिक हो सकता है और दूसरा अनौपचारिक हो सकता है। तो औपचारिक
आएगा। औपचारिक यदि किसी संस्था से संबंधित है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, वहां पर औपचारिक की बात की जाएगी। लेकिन यही चैनल, यही सेंटर जब मैसेज सेंड करने के लिए जब अपने परिवार में, समूह में बैठता है, तो वो हो जाएगा आपका अनौपचारिक। छोटे छोटे से पॉइंट, छोटी छोटी सी बातें कहीं कहीं पर आके प्रश्न उठ के आ सकता है। कहां से आएगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जब कम्युनिकेशन स्किल की बात हो कि तो जितना अपन पढ़ा रहे उससे कोई चीज बाहर जाने की संभावना कम ही है। यह हो गया आपका चैनल। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु आता है रिसीवर। क्या चीज है? रिसीवर। रिसीवर में कौन आएगा? प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता मतलब जो सेंडर ने जिस मैसेज को इस चैनल से भेजा प्राप्तकर्ता तक, वो होगा आपका रिसीवर। ये भी महत्वपूर्ण चीज है। और पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु आएगा इसमें फीडबैक, जिसके हमने पहले बात की। बिना फीडबैक के आपका कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन है उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो जो एलिमेंट्स की बात होती है कम्युनिकेशन के, एलिमेंट्स की या अंग की, एलिमेंट्स या अंग की बात हो रही है, तो वहां पर आपका सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक। तो कभी प्रश्न आ जाए कि भाई कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो उनमें से ए बी सी डी ऑप्शन जो भी आए, तो उसमें आपको याद रहना चाहिए जो कम्युनिकेशन है उसके जो एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो वहां पे आपका सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और फीडबैक। प्रेषक, संदेश, चैनल, प्राप्तकर्ता और उसका फीडबैक क्या है, ये चीज आएगी। अब हम बात करें कि मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है, उसकी हम बात करते हैं। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन सी मेथड्स हो सकती है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। वैसे तो काफी हद तक आपको सभी चीजों का नॉलेज है, तो सबसे महत्वपूर्ण एक तो आमने सामने बैठ कर हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? फेस टू फेस इंफॉर्मेशन। फेस टू फेस इंफॉर्मल, आमने सामने बैठ के हम किसी मैसेज को सेंड करेंगे, वो होगा फेस टू फेस इंफॉर्मल। ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। आजकल सरकारी ऑफिसेस में सब ईमेल चलता है, कोई सेंडर आता है उसका मैसेज हमारे तक ईमेल के थ्रू आता है, तो ईमेल के थ्रू हम भेज सकते हैं। कभी किसी कॉलेज के प्रिंसिपल को अपना मैसेज देना रहता है स्टूडेंट्स को, तो नोटिस पे चस्पा कर देते हैं, तो नोटिस चिपका सकता है वो, पोस्टर लगा सकते हैं, ठीक है, नोटिस या पोस्टर लगा सकते हैं। कोई बिजनेस मैनेजर होता है, सीईओ होता है, वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है। जैसे अभी तो जो सरकारी कर्मचारी सब जानते हैं टीएल वगैरह कुछ होने लगा, सभी सारी चीजें हो गई है, तो मीटिंग्स हो सकती है, सब मेथड्स है। फिर आपका सोशल नेटवर्क हो सकता है, मैसेज करना हो सकता है, जैसे चैट हो सकती है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ब्लॉग हो सकता है, इन चीजों पर हम काम कर सकते हैं। तो ये आपकी मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन हुई जी ना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब हम मेथड चूज करेंगे तो मेथड को चुनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि आपके ऑडियंस कौन से है, है ना, आपका टारगेट, आप राइट मेथड कौन से सेलेक्ट करोगे। यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आ गए तो आप कौन सी मेथड का चयन करोगे वो किस पर डिपेंड करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके उसमें सबसे पहली बात होती है कि टारगेट ऑडियंस कौन कौन से है, यदि आपके टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट्स है तो आप वहां पे पोस्टर बना सकते हैं या नोटिस चिपका सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं उनको, बहुत सारे ग्रुप चैट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज हमें देखना है कि कॉस्ट क्या पड़ेगी उसकी, यदि हम किसी मैसेज को भेज रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आएगा कि आप कम्युनिकेशन की कौन सी मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। एक चीज आती है
अर्जेंसी, अर्जेंसी मतलब आपको कोई मैसेज ऐसा आया, जैसे हम देखते हैं कि जो होम मिनिस्ट्री का मैसेज आता है तो डायरेक्ट फिक्स से आता है या डायरेक्ट कॉल आता है, तो यदि अर्जेंसी किस तरह से है या प्रायोरिटी क्या है उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि किस तरह से हमें किस चीज का हमें मेथड का इस्तेमाल करना है। तो साथियों ये हुई आपकी कम्युनिकेशन की जो मेथड्स है और कौन सी मेथड्स का हम सिलेक्शन करते हैं उस हिसाब से डिपेंड करें। बहुत सरल से चीजों में आएगा, बहुत सिंपल से शब्द प्रश्न आएंगे जिस तरह से यहाँ से प्रश्न बनेगा। अब आगे बात आती है कि जो कम्युनिकेशन का जो मौखिक कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। कौन सा? वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन इसमें हम साउंड का इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम स्पीच का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मतलब जो भी हम सुनेंगे बोलेंगे जिसमें वर्ड्स होगा, साउंड्स होगा, लैंग्वेज होगा, स्पीच होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हम जो हमारा जो मैसेज भेजना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हमारे इमोशंस के साथ में वर्ड्स बाहर आएंगे, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वह दो तरह से हम उसको समझ सकते हैं। एक होता है इंट्रा पर्सनल और दूसरा होता है इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब अध्यात्म की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अध्यात्म की बात हो रही है। मतलब वहां पे सेल्फ कंसेप्ट बनेगा, एक धारणा बनेगी, एक उम्मीद बनेगा, एक आत्मचिंतन आएगा, खुद से बात करेगा व्यक्ति। शर्मिली प्रवृत्ति का है, किसी नाटक को देख रहा है, किसी प्ले को देख रहा है, किसी कार्यक्रम को देख रहा है, तो मन मन अपने में ही मुस्कुराएगा। वो आएगा आपका इंटरपर्सनल में, आत्मचिंतन में, धारणा में, कंसेप्ट बनाएगा। इंटरपर्सनल में दो या दो से अधिक लोग वहां पे सम्मिलित होंगे, ठीक है, उसे कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये दो चीज स्पष्ट है। इंटरपर्सनल मतलब खुद से बात होगी, खुद का आत्मचिंतन होगा, और इंटरपर्सनल में दो से अधिक लोग सम्मिलित होंगे जिसमें एक दूसरे से संदेश प्रेषण का काम होगा, ठीक है। अब आता है वर्बल रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या चीज आएगी साथियों? रिटन कम्युनिकेशन में कुछ भी आ सकता है। रिटन कम्युनिकेशन में आपके लेटर्स आ सकते हैं, लेटर्स आ सकते हैं, कुछ सर्कुलर आ सकते हैं। जैसे सर्कुलर हम कुछ भी गवर्नमेंट वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें सर्कुलर्स होते हैं, है ना, कुछ भी महत्वपूर्ण जानकारी उसके द्वारा संप्रेषित होती है ना, कम्युनिकेट होती है, उसको संप्रेषण भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये लिखित में आएगा, फिर आपके मैनुअल्स हो सकते हैं। कई बार हम ट्रेनिंग्स में जाते हैं जहाँ पे हमें सारी चीजें कंसेस फॉर्म में मिलती है, मैनुअल के फॉर्म में मिलती है कि भाई आपको मान लो नेचुरल फार्मिंग का काम करना है तो नेचुरल फार्मिंग के संबंध आपको ट्रेनिंग 7 दिन की करवाते हैं, तो उसमें 7 दिन के लिए जब ट्रेनिंग होती है तो हमें एक मैनुअल मिल जाता है जिसमें सारी चीजें जो सेंडर है उसका मैसेज सारा रहता है। फिर आपके सोशल मीडिया चैट्स हो सकती है। ये सारी चीजें किस में आएगी? सोशल मीडिया चैट भी आपके रिटर्न में आएगी। कई ऑफिशियल्स ग्रुप होते हैं जिसमें लेटर का आदान प्रदान होता है, तो ये सारे कम्युनिकेशन किस में आएगा? रिटन कम्युनिकेशन में आएगा। फिर आपका इस्बाल ग्रुप कम्युनिकेशन आएगा जिसमें आप छोटे छोटे से ग्रुप बना लेंगे और उस पर आप कम्युनिकेशन करेंगे, सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे जो अपनी बात रखते हैं, उसे बोलते हैं इस्बाल ग्रुप कम्युनिकेशन। एक आता है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या होगा? पब्लिक कम्युनिकेशन में जैसे टीवी पे कोई संदेश है, मान लो न्यूज चैनल चल रहा है, कोई सा भी न्यूज चल रहा है, तो न्यूज एंकर वहां से कुछ बात कर रहा है तो पूरी पब्लिक के साथ, पूरे ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, उसे कहते हैं क्या? पब्लिक कम्युनिकेशन। रेडियो है, सोशल मीडिया है, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग लाइव आते हैं और अपनी बातें रखते हैं, तो ये जो सारी चीजें आएगी ये किस में आएगी? आपके पब्लिक कम्युनिकेशन में आएगी, ठीक है। अब वही बात, किसी भी मेथड को हम पढ़ते हैं तो उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसका एडवांटेजेस क्या है उसकी हम बात करें। इसके एडवांटेजेस क्या है, तो इसके एडवांटेज में आपको क्या क्या मिलेगा? एक तो बोलने से पहले आप कुछ सोच सकते हैं, ठीक है,
वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, यदि कम्युनिकेशन आप कर रहे हो किसी के साथ में, आपके आइडिया एक्सचेंज कर रहे हो या कुछ बोलना चाहते हो, तो क्या होगा, आप क्विक रिस्पॉन्स दे सकते हो। बात हो रही है फोन पे, हेलो आज मीटिंग है, तो सामने से क्विक रिस्पॉन्स आपको मिलेगा कि भाई ये बात। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको क्विक रेस्पॉन्स मिल सकता है, ठीक है। और इसका जो डिसएडवांटेज है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप यदि कोई शब्द बोल रहे हो, यदि उसके अलग अलग मीनिंग निकलते हैं और सामने वाला समझने वाले को समस्या आती है, तो आपको इसका नुकसान भी हो सकता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन जिस तरह से हम देखते हैं, बहुत सारे महाराज लोग हैं, बहुत सारे एंकर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत सुनते हैं उनको, तो वो उनकी मास्टरी कैसे होती है, वो क्या करते हैं और आप किस तरह से उसमें मास्टर हो सकते हो। तो आप किसी भी टॉपिक पर जब बोलना चाह रहे हो तो उससे पहले उसके बारे में सोचो, विचार करो कि आज मैं कम्युनिकेशन स्किल पे बोलने वाला हूं, तो उसके बारे में पूरा टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। फिर महत्वपूर्ण बात आती है, आपका सबसे महत्वपूर्ण वेव कौन सा है, किस तरह से आप उस चीज को सुनने वालों को समझा सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, टॉपिक की समझ होनी चाहिए, आप क्या समझा रहे हो उसके बारे में आपको पूरी मजबूती के साथ पकड़ होनी चाहिए कि आप क्या समझाना चाहते हो। जो भी समझाने जा रहे हो आपके पास एक रिटर्न नोट्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए, रिटर्न नोट्स होना चाहिए कि आप क्या क्या जो पॉइंट होते हैं क्या कवर करना चाहते हो वो होना चाहिए। आप जो बोलना चाहते हो वो कंसाइज होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए ताकि किसी को कोई समस्या नहीं आए। एक एक शब्द क्लियरली होना चाहिए, क्लियर उसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए, लाउडली अच्छे से बोलना चाहिए और स्पीड जो हो आपकी एक मॉडरेट स्पीड होना चाहिए, जिससे कि आप सेंडर को आराम से अपने सेंडर के द्वारा जिससे कि रिसीवर को अपनी बात रख सकते हो, ठीक है। आप महत्वपूर्ण बात आती है कि जो इंफॉर्मेशन है ना, जो शेयर करना चाहते हो वो टू द पॉइंट होना चाहिए, आप जो बात रखना चाहते हो टू द पॉइंट बात रखना चाहिए, कोई भी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। कई बार लोगों की आदत होती है कि ऐसा हो रहा वो हो रहा वो हो रहा, तो दे आर रिपीटिंग सेंटेंस, तो रिपीटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आप बोल रहे हो उस समय आपकी जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लवरेज जबरदस्त होना चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि पूछो मत। और जो आप बोलते समय अपना आई कांटेक्ट, हमेशा आई कांटेक्ट बना के रखें, इससे आपकी बातों पर लोगों का विश्वास बढ़ जाता है कि ये वक्ता जो है अपनी बात जो रख रहे हैं तो इनमें इनकी बात में दम है, इसलिए हम इनकी बात को सुनना चाहिए। तो हमेशा आई कांटेक्ट बना के रखिए और हमेशा बोलते समय एकदम फ्रेंडली रहे। आप बातचीत कर रहे हो, आप मीटिंग ले रहे हो, तो फ्रेंडली व्यवहार के साथ मीटिंग करेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे से आप वर्बल कम्युनिकेटर बन सकते हो, आप में अच्छे से चाहिए। अब अगली बात आती है वर्बल कम्युनिकेटर के साथ साथ ही अपना वर्बल कम्युनिकेटर पूरा हुआ, जिस तरह से आप वर्बल कम्युनिकेटर बन सकते हो अच्छे से, आप में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, वो सारी चीजें आएगी। आपको एक सरलता से एक बार सिर्फ वीडियो को सुनना है, ज्यादा कुछ उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप एक बार वीडियो सुन लेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न आपका छूट पाएगा, ठीक है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है हम उसकी बात कर लें। नॉन वर्बल मतलब इशारों में, है ना, तो इशारों में बात हो रही, बॉडी लैंग्वेज के साथ बात हो रही, किसे बोलना जाना है जा कहां से आया। तो जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें कोई ना तो कोई रिटन वर्ड होगा ना कोई स्पोकन होगा, कोई भी नहीं होगा, तो बिना बोले बिना लिखे जब आपका मैसेज ट्रांसफर होगा उसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या होता है, जो 55% कम्युनिकेशन होता है वो बॉडी मूवमेंट के द्वारा हो जाता है, जिसमें आपका फेस आर इनके द्वारा मूवमेंट के द्वारा आप 55% आपका जो कम्युनिकेशन है वो हो जाएगा, ठीक है। और 38% कम्युनिकेशन वॉइस के द्वारा या टोन के द्वारा होता है, ठीक है, सुन मारा है ना। और जो 7% कम्युनिकेशन होता है उसी में हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो 55% जहां हाथ और चेहरे के इशारों से कम्युनिकेशन हो रहा है उसे बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के यदि हम टाइप की बात करें, प्रकार की बात करें, तो सीधी सी बात है, सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है आपकी फेशियल एक्सप्रेशन। क्या कर दिया, क्यों गया था? तो मतलब जो पूछने का तरीका आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, ये आपका कवर करेगा। दूसरा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्वेश्चन आप कैसा है, आपका गेस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज, टच, कहीं जा रहा है, हाथ पकड़ लिया, उसको साथ में टच किया, चलो चलते हैं, ये हो जाएगा। आई कांटेक्ट, आपको संपर्क करा, बोल दिया, आंखों से आंखों में बात हो गई, इशारों बात पे वही बात हो गई, आंखों आंखों में बात हो गई। फिर आपकी जो टोन है, स्पीड वॉल्यूम है, ये सारी चीजें इसमें आएगी, ये सारी चीज आती है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ओके, नाउ विजुअल कम्युनिकेशन की बात करें, तो विजुअल कम्युनिकेशन में जो भी देखने के साथ में जो कम्युनिकेशन होगा, वो सारा आपका विजुअल कम्युनिकेशन में आएगा। ठीक है, अब ये पूरा कम्युनिकेशन हुआ, अब कम्युनिकेशन की जो नेक्स्ट थिंग थी, फीडबैक। कोई भी कम्युनिकेशन बिना फीडबैक के पूरा नहीं हुआ। अब फीडबैक कितने तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है, यार सर आपने बहुत बढ़िया पढ़ा है। नेगेटिव फीडबैक हो सकता है, मैंने जो बात बोली आप बोलोगे सर मजा नहीं आया, कुछ भी, ठीक है। और कोई बोलेगा नहीं यार ठीक है, कुछ नहीं बोलेगा वो, मतलब देयर इज नो फीडबैक। ओके, गुड फीडबैक किस तरह से हो सकता है, कि आपका स्पेसिफिक होगा कि सर ने क्या पढ़ाया, किस तरह से पढ़ाया, उसके बारे में स्पेसिफिक होगा, कोई जनरल कमेंट उसमें नहीं होंगे, है ना, क्लेरिफाई होगा स्टेटमेंट का, टाइमली होगा, पोलाइट होगा, है ना, उसमें एक कंटिन्यू सपोर्ट की बात होगी कि नहीं सर आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया, हम आपको कंटिन्यू देखते रहेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें आएगी एक पॉजिटिव फीडबैक में आएगी। और फीडबैक से का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, फीडबैक का इंपोर्टेंस क्यों होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात की, तो फीडबैक का ये इसलिए होता है कि ये वैलिडेट करता है, ये हम सुन रहे हैं, एक वैलिडेशन मिलता है आपको, ठीक है, फीडबैक का एक वैलिडेशन मिलता है, और ये मोटिवेट करता है, क्या करता है, मोटिवेट करता है, सेंडर को भी मोटिवेट करेगा, ठीक है, ये टीम को बूस्ट करने का काम भी करेगा, क्या करेगा, बूस्ट करने का काम भी करेगा, लर्नर को बूस्ट करने का काम भी करेगा। और फीडबैक मिलने के पश्चात कोई भी टीचर या कोई भी सेंडर अपने आप को इम्प्रूव भी करेगा, ये कुछ उसके फीडबैक होते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट थिंग आती है कि आपका जो बैरियर्स होते हैं, वो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिवनेस लाने के लिए कुछ बैरियर्स होते हैं, कि आप जो कम्युनिकेशन अपनी बात तो रख पा रहे हो, लेकिन वो बात सही ढंग से पहुंच नहीं पा रही, तो सबसे महत्वपूर्ण बैरियर होता है फिजिकल बैरियर। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, इसकी हम बात करें तो सबसे पहले फिजिकल बैरियर्स है, मुझे बात पहुंचानी है दिल्ली, लेकिन दिल्ली वाला व्यक्ति मेरे सामने नहीं है, तो एक फिजिकल बैरियर है हमारे बीच में, कि हम एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, फेस टू फेस हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो वहां पे क्या चीज आएगी, आपकी फिजिकल बैरियर आएगी। फिजिकल बैरियर, उसके साथ साथ अगला चीज फिजिकल बैरियर में एक चीज और हो सकती है, कि आपकी उच्चारण क्षमता क्या है, आप किसी चीज को प्रोनाउंस कर रहे हो, सामने वाला उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है, उसकी श्रवण क्षमता कम है, आप मैंने जो है लिखा आपको दिख नहीं रहा है, मतलब दृश्य क्षमता कमजोर है, तो आपकी उच्चारण क्षमता, श्रव्य क्षमता और दृश्य क्षमता, है ना, उच्चारण, श्रवण और दृश्य, ये चीज आपके फिजिकल बैरियर में आएंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के। ये बैरियर्स होते हैं कि हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। दूसरा महत्वपूर्ण जो बैरियर आता है वो भाषा संबंधित होता है, लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हमें भाषा का ज्ञान होना चाहिए। मैंने कहा कि कनक ले आओ, अब सामने वाले को तो पता था कनक मतलब सोना ही होता है, वो सोना ले आया, लेकिन हमने धतूरा मांगा था, तो यहाँ पे हमें भाषा का ज्ञान होना चाहिए कि भाषा उस शब्द का इस्तेमाल क्यों सेंडर ने यहाँ पे किस लिए किया है, उसका हमें पता होना चाहिए कि सेंडर क्या कहना चाहता है, कौन सी चीज को बता रहा है।
तो भाषा का ज्ञान होना चाहिए। दोषपूर्ण अनुवाद होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कम्युनिकेशन में हम किसी चीज की बात कर रहे हैं लेकिन उसका अनुवाद वो सही ढंग से नहीं हो पाता, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। कभी कभार कुछ टेक्निकल लेटर आते हैं, हमें तकनीकी भाषा का ज्ञान नहीं होता, तब भी कम्युनिकेशन में समस्या आती है, अपने कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी समस्या आती है। इंटरपर्सनल बैरियर भी कुछ होते हैं। मान लो कोई बात को आप समझाना चाहते हैं और उसको किस तरह से इंटेंड करना चाहते हैं, किस तरह से उसको रखना चाहते हैं, सेंडर का मैसेज वो सही ढंग से नहीं आ पाता है, इस तरह से इंटरपर्सनल कुछ बैरियर होते हैं, इंटरपर्सनल बैरियर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है